हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस परिवर्तन बस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और जो शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। 29 मार्च को परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। अंबाला कुरुक्षेत्र और उसके बाद करनाल लोकसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी शामिल होंगे। जगाधरी लाड़वा होते हुए करनाल का दौरा करेंगे राहुल गांधी। और कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा में जिस तरीके से जो कल हमने देखा अलग अलग जगहों पर होते हुए बस यात्रा जब गुड़गांव से निकली तो पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश स्तर के वो वहां पर नजर आए, और साथ ही साथ अब इस यात्रा को प्रभावी तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो खुद अब 29 तारीख को राहुल गांधी अपने साथ जो पूरा करेंगे। और राहुल गांधी कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा के अंदर खुद शामिल होंगे। 29 मार्च को ये पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसके लिए बाकायदा तैयारियां भी शुरू हो चली हैं। कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है राहुल गांधी की परिवर्तन बस यात्रा की तैयारियों को लेकर। तो जगाधरी लाड़वा से होते हुए करनाल तक की ये यात्रा होगी, और बस के जरिए कांग्रेस पार्टी यात्रा कर रही है और अपने प्रदेश स्तर के सभी नेताओं को एक बस के अंदर बिठाकर पूरे प्रदेश के लोगों के बीच पहुंचाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सभी नेता एक साथ एक बस के अंदर मौजूद हैं, एक मंच पर मौजूद हैं। तो यानी कि गुटबाजी को लेकर बार बार जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ये सवाल उठ रहे थे कि अलग अलग दिशाओं में सभी नेता चलते हैं, तो ऐसे में इस बस यात्रा के जरिए एक सूत्र में सभी नेताओं को बांधने की कोशिश की जा रही है। और इसी को पुख्ता करने के लिए खुद राहुल गांधी 29 मार्च को आने वाले हैं, और बकायदा परिवर्तन बस यात्रा के अंदर वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे, लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ इस बस यात्रा के अंदर शामिल भी होंगे। तो अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल लोकसभा क्षेत्रों में आप राहुल गांधी इस बस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, और जो शुरुआत होगी इस बस यात्रा की जगाधरी से शुरू होगी लाड़वा होते हुए, और ये जो बस यात्रा है वो करनाल तक पहुंचेगी। और 29 मार्च जो तारीख है वो निर्धारित है, जिस दिन राहुल गांधी बस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल लोकसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी शामिल होंगे, और करनाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का ये अपना इलाका माना जाता है, और इस क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है उसको एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए, एक बार फिर से उसको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए आप केंद्रीय स्तर के नेता, यानी कि लगातार, क्योंकि इससे पहले गुलाम नबी आजाद जब कल हमने देखा तस्वीरों के जरिए कि वो भी अपने पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ मौजूद थे, हालांकि कुछ काम की वजह से वो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, और उसके बाद जो तस्वीरें थी वो बिखराव वाली नजर आई थी, क्योंकि एक एक करके जो नेता हैं वो वहां से नदारद होते हुए नजर आए। दिल्ली से ब्यूरो चीफ जितेंद्र चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 29 मार्च का जो शेड्यूल फिलहाल राहुल गांधी का नजर आ रहा है, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से 26 तारीख से ही पूरे प्रदेश भर में बस यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, तमाम कोऑर्डिनेशन के सदस्य और जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बस में मौजूद हैं, और लगातार प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के चुनावी बिगुल कांग्रेस फूंकती नजर आ रही है, साथ ही एकजुटता का संदेश देने का प्रयास भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कितना सफल ये प्रयास है, कुछ ही दिन में ये यात्रा जो है जब समापन पे आएगी तो पता चल पाएगा, लेकिन इससे पहले ही 29 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बस में सवार होंगे, और करनाल कुरुक्षेत्र और अंबाला इन तीन लोकसभा क्षेत्रों के अंदर इस बस के माध्यम से वो सफर करेंगे और लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस के हाथ मजबूत करने का काम राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम जो है फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी सामने आया है, जिसमें तीन लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के राहुल गांधी इस बस में सवार होते हुए लोगों को संबोधित करेंगे और चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से इस बस यात्रा का मकसद यही था कि परिवर्तन जो किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन परिवर्तित करने को लेकर भी हो, लेकिन पहले दिन की तस्वीर जिस तरीके से सामने आई दिल्ली मुख्यालय में, जब कई नेता वहां से नदारद नजर आए और गुड़गांव से आकर वहां पर कई नेताओं ने ज्वाइन किया, और उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद दिल्ली की तरफ रुख कर जाते हैं किसी जरूरी काम की वजह से, उसके बाद धीरे धीरे जो बड़े नेता थे वो भी वहां से नदारद नजर आते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके चले जाते हैं,
लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है कुछ? कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं के एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के संवाद न होने का ये जो पूरा वाकया है इशारों में देखने के लिए जरूर मिला है। अपने अपने स्तर पर व्यस्तताएं बताते हुए तमाम जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आगे पीछे होते हुए या फिर इस बस यात्रा से किनारा करते हुए जिस प्रकार से नजर आए हैं, यह सीधे तौर पर गुटबाजी की ओर इशारा करता है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दो बार AICC के जो कार्यालय है यानी कांग्रेस का जो केंद्रीय कार्यालय है उस कार्यालय में इसको लेकर के बैठक होती है, आलाकमान की तरफ से कांग्रेस एकजुट हो इस बात के संदेश को लेकर के इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम कांग्रेस के प्रदेश के नेता एक बस में सवार होने को लेकर के तैयार नहीं है, बस से बाहर नजर आ रहे हैं आलाकमान के भी। और यही कारण है कि अब जिस प्रकार से राहुल गांधी आ रहे हैं अपने आप में इस बस यात्रा में या इस बस में सवार तमाम लोगों के लिए भी, तमाम नेताओं के लिए भी अब यह चुनौती बन जाएगा कि इस बस में बरकरार तौर पर वे सवार रहे, क्योंकि 29 तारीख को तमाम जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी के समक्ष कहीं ना कहीं मौजूद बस के जो नेता है उनके माध्यम से पहुंचा दी जाएगी कि कांग्रेस अभी भी इस प्रकार से चल रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी 29 मार्च को इस परिवर्तन बस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और साथ ही कोशिश उनकी ये होगी कि जब अलग अलग रास्तों पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर के नेता जब चल रहे हैं तो उनको एक साथ एक बस के अंदर सीटों को भरा जा सके और उन नेताओं को उस पर बिठाया जा सके।